एनग्राम्स, ठीक है। इसमें हमने जिस तरह यूनिग्राम में हम सिंगल वर्ड्स को ले रहे होते हैं, बाइग्राम में हम दो वर्ड्स को ले रहे होते हैं, लाइक आई एम द द ऑथर, ऑथर ऑफ द दिस पेपर, मींस कि इसको हम बेसिकली, हमारा मकसद क्या होता है, हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि किस ऑथर ने किस तरह के वर्ड्स का कॉम्बिनेशन यूज किया है। तो ये एक हमारे पास एक अच्छा फीचर होता है फीचर सिलेक्शन के लिए, हमारे जो फीचर में हम आगे यूज करेंगे इसे। हमने जो अपनी टेक्निक के लिए यूज किया वो बायग्राम और ट्राइग्राम को प्रेफर किया है, बिकॉज जो हमारे ट्विटर की जो ट्वीट्स थी वो छोटी थी, इसलिए अगर हम बड़े 4 ग्राम या 5 ग्राम लेते तो हमारी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बड़ हो जाती, इसलिए हमने ये बायग्राम और ट्राइग्राम को प्रेफर किया ताकि हम बेटर रिजल्ट्स ले सकें। नेक्स्ट हमने क्या किया, रिमूवल ऑफ स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स बेसिकली हमारे इस तरह के वर्ड्स होते हैं, लाइक आई मी माई, इनकी फ्रिक्वेंसीज बहुत ज्यादा होती है हमारे टेक्स्ट में, लेकिन इनकी इतने फीचर्स, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें ये नहीं दे रहे होते। तो हमने क्या किया, हमने अपने जो इसमें रिमूव किया स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर दिया ताकि हमारे पास मेन वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारे पास रहे जिनको हम, जिसकी बेस पे हम फर्दर प्रोसेसिंग कर सकें। थर्ड, स्टेमिंग। स्टेमिंग बेसिकली होता है कि आपके पास अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो आप उसमें से एक रूट वर्ड निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है, चेंज, चेंजिंग, चेंजेस, चेंज्ड एंड चेंजर, इन सब का जो रूट वर्ड है वो चेंज है। तो हमने इसका बेसिकली जो हमारी एक डोमेन सेट हो जाती है कि आपके इतने वर्ड्स के रूट वर्ड ये है, एक टॉपिक से साइन हो जाते हैं कि ये इस वर्ड से रिलेटेड है। तो हमारे जो लाइंस हैं उनमें से एक रूट वर्ड निकालता है ताकि उसको एक डोमेन असाइन हो जाए कि ये जो ये ट्वीट है ये किस चीज से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, सेंटेक्स एनालाइजर एंड फीचर एक्सट्रैक्शन। हमने सेंटेक्सेस को एनालाइज किया और फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया। उसके लिए हमने इस तरह का एक इनपुट हमने दी अपनी, और अपनी जो उसने हमारे लेक्सिकल एनालाइजर ने हमारे वर्ड्स को रीड किया और उन्हें टोकनाइज किया। फिर सेंटेक्स एनालाइजर जो से लेक्सिकल एनालाइजर से टोकन्स रिसीव कर रहा है, और वो पुश बैक भी कर रहा है एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को जो उसके यूज में नहीं है। नेक्स्ट, टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, TDF, सॉरी TDIDF। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ए बी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये पिक्चर ली हुई है कि ए बी हमारे, फॉर एग्जाम्पल अगर दो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर ए डॉक्यूमेंट में दी वर्ड यूज हो रहा है 1/7, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई कि वो कितने टाइम उस डॉक्यूमेंट में यूज हुआ है। और IDF हमने इसकी फ्रीक्वेंसीज काउंट किए हैं कि उस डॉक्यूमेंट में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, TF मल्टीप्लाई हो रहा है IDF से, जिसकी वजह से हमें एक एक्यूरेट न्यूमेरिकल फीचर मिल गया है, उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई है जो भी हमने फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। फर्दर जैन एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, सॉरी बैग ऑफ वर्ड। जी जैन, जी सलाम वालेकुम सर। जी हाँ सर, हमने इसको हमारा ये मॉडल डायग्राम जिसको हम मेथोडोलॉजी अपनी डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसमें हमारे जो इनपुट डाटा सेट्स हैं, जैसे हमने उर्दू का अपना एनोनिमस हमने डाटा सेट्स लिए हैं, पॉलिटिक्स के हमने 4 ऑथर्स उर्दू के लिए थे, 4 इंग्लिश के लिए। तो हर डाटा सेट्स में हमारे पास 720 जो थी वो ट्वीट थी। अब जब हमने उसको हमने अपने जब इसको प्री प्रोसेसिंग करने लगे थे, तो हमने सबसे पहले इसको जब टोकनाइज किया तो हमारे पास जो उर्दू के जो वर्ड्स टोकनाइज हुए थे वो थे 31,960, एंड जो इंग्लिश के वर्ड्स जो हमारे पास टोकन्स हुए थे वो थे 35,356। तो उसके बाद सर हमने जब ये हमने डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग कर ली, मसलन लोअर केसिंग भी हमने की और रिमूव स्टॉप वर्ड्स भी, उसके बाद हमने स्ट्रीमिंग की। स्ट्रीमिंग में हमने जो रूट वर्ड्स थे वो हमने सेपरेट किए विद द हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP टूल्स। जिसमें सर मैंने आपसे लास्ट टाइम भी क्लास में डिस्कस किया था कि जब हम उर्दू के जब डाटा सेट्स को इम्पोर्ट करते हैं तो वो हमें इशू कर रहा था कि जब हम उसको जब एल्गोरिदम को साइन करने लग गए तो हम इशू देते। इसमें जब हमने स्ट्रीमिंग करने के बाद जब हम फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये हमारी हेल्पफुल करता है, जो हमारे जो स्ट्रीमिंग में वर्ड्स रूट वर्ड्स जो हुए होते हैं सेपरेट, उनको वो उसमें से न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन गेट कर लेता है। लाइक जो भी वर्ड्स हैं, जो मेन मेन वर्ड्स होते हैं उनको उनको वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू उनमें से वो न्यूमेरिकल वैल्यू को गैदर कर लेता है। और फिर हम फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद जो है हम उसको ट्रेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ये
TF, IDF के थ्रू, इसमें हम जो जो हमारे वर्ड्स होते हैं न्यूमेरिकल, इनको हम ट्रेन करते हैं फॉर दी मॉडल। और इसके लिए हम एक जेनिज्म एक यूज़ करते हैं, डिक्शनरी क्लास, जो हमारे जो फीचर्स चूज हुए होते हैं उनको सर वो लेक्सिकन में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारा हमने इसको ट्रेन कर लिया, इसके बाद हम इसमें से इम्पोर्टेंट फीचर्स को सिलेक्ट करते हैं विद दी हेल्प ऑफ LDA, जो हमारा एक टॉपिक मॉडल है जिस जो हम क्लासिफाई करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। इस पर्पज़ के लिए हम डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स भी यूज़ करते हैं, जो हाँ जो हमारे ट्रेनिंग डाटा सेट्स को ट्रेन करता है, और उनके एट्रीब्यूट्स में से जो है जो एट्रीब्यूट्स जो हमने फीचर्स दिए होते हैं उनमें से हमारा जो है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को भी गेट कर लेता है। तो जब हम इसके लेक्सिकॉन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारे पास लेक्सिकॉन्स वैल्यूज आ जाती हैं, उसके बाद जो है हम उसको अपने जो SVM मॉडल हमने इस पर्पस के लिए लिया है, क्योंकि सर हमारा जो हमने डाटा सेट्स लिए थे वो हमने एनोनिमस डाटा सेट्स की क्वांटिटी भी थोड़ी थी, इसलिए हमने जो है SVM मॉडल सिलेक्ट किया था। इसमें हम जब हम जो हमारी लेक्सिकॉन्स आ जाती हैं वो फिर हम SVM मॉडल को असाइन करते हैं। जिस तरह सर SVM मॉडल में हम जो है हाइपरप्लेन यूज़ करते हैं, उसमें हम के n डायमेंशनल स्पेस में हम एलोकेट करते हैं। इस वजह से हमने जो हर डिफरेंट ऑथर के अगेंस्ट n डायमेंशंस हम उसको असाइन करते हैं। लाइक अगर हमारे पास एक ऑथर है उसकी लेक्सिकॉन्स वैल्यूज आई हैं 256, तो उसमें हम जो n डायमेंशंस देंगे उस पर जो हमारा SVM मॉडल है वो उसको करेगा। जिस तरह तो हम जब प्रोग्रामिंग में करते हैं, हम उसको SVM जब एलोकेट करते हैं तो हम उसमें प्रिडिक्टेड डाटा और एक्चुअल डाटा असाइन करते हैं SVM के साथ। उसके बाद जब हम SVM के साथ जब हम रिजल्ट्स उसको हम गैदर कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्यूरेसी हम फाइंड करते हैं, जो हम टोटल एक्यूरेसी हम फाइंड करते हैं, जो वो ये होती हैं टोटल नंबर ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो हमने क्लासिफाइड किए होते हैं मॉडल के थ्रू, और जो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास होते हैं टोटल वर्ड्स जो होते हैं, उसके बाद हम उसको और उसकी रेशो लेते हैं, तो हमारे पास एक्यूरेसी आती है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। ये सर हमारा फ्लो था जो मैंने आपको बताया कि जिस तरह हमारे पास हम उसको स्टार्ट करते हैं, डाटा सेट हम देते हैं, उसके बाद हम प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स करते हैं, उसमें हम उसके बाद जब प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स होने के बाद जिस तरह टोकनाइजेशन लोअर केसिंग करने के बाद हम इसको स्ट्रीम करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज टूल, जिसमें हमारे पास मेन मेन वर्ड्स आ जाते हैं, उसमें हम उसके बाद ये हम फीचर सिलेक्शन करते हैं, जो हमारे पास स्ट्रीम वर्ड्स होते हैं उसमें हम उसको फीचर हम सेलेक्ट करते हैं और न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल्स वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम जो हमारे फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद हम उसको LDA मॉडल में उसको सेंड करते हैं, जो जिससे हम उसको क्लासिफाई कर लेते हैं। और उसके बाद हम फीचर सिलेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स DTM जो हमने लिखा है। और उसके बाद जब हमारे पास फीचर्स आ जाते हैं, लेक्सिकॉन्स वैल्यूज आ जाती है, फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ SVM मॉडल्स। और आफ्टर अप्लाइंग SVM मॉडल्स वी हैव रिजल्ट्स विद द इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी प्रिसीजन एंड रिकॉल। अब रिजल्ट्स हैं हमारे पास, अब जिस ये हमारे पास प्री वर्ड्स हैं, जब हम इसको असाइन कर देते हैं तो जिस ये ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, ये दो हमारे पास हैं डाटा सेट, एक उर्दू के हैं जिसको हमने ऑथर UI के 1 मतलब के 4 ऑथर्स हैं हमारे पास उर्दू के, उनको हमने ऑथर U1, ऑथर U2, ऑथर U3, ऑथर U4 के नाम से साइन किया। और राइट साइड पर जो हमारे पास है उसमें हमने इंग्लिश के हमारे पास ऑथर हैं, उनको हमने ऑथर E1, ऑथर E2 के नाम से हमने उसको असाइन किया। अब हर ऑथर के अगेन जो उनकी ट्वीट्स थी उनमें उनके डॉक्यूमेंट्स में जो वर्ड्स थे वो थे, मतलब ऑथर U1 के थे 500 and 684, ऑथर U2 के 6780। तो इस तरह हम हर ऑथर के जो टोटल वर्ड्स थे वो इतने थे। जब हमने उसको स्ट्रीम किया और उसमें हमने उनको फीचर सिलेक्ट किया, उसमें हमारे पास ये 16 वर्ड्स आए, लाइक 430 प्री प्रोसेसिंग करने के बाद या सारा प्रोसीजर करने में हमारे पास ये डिस्टिंग वर्ड्स आए। और डिस्टिंग वर्ड्स करने के बाद जब हमने उसको फीचर सेलेक्ट किए, हमने उसको
एलडीए मॉडल में जब असाइन किया तो हमारे पास ये लेक्सिकन वैल्यू आ गई, जिस तरह ऑथर यू वन की 211, ऑथर यू टू के 234, ऑथर ई वन के 223 और ऑथर ई टू के 255 एंड सो ऑन, ये सारे ऑथर्स के जो हमारे पास टोटल वर्ड्स है, उसके बाद जो प्री प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमारे पास डिस्टिंग वर्ड्स आए, और जो हमारे जो आफ्टर फीचर सिलेक्शन जो हमारे पास लेक्सिकन वैल्यूज आई, जो हमने जो एस वी मॉडल्स को असाइन करनी थी, वो हमारी ये लेक्सिकन साइजेस हैं हर ऑथर के अगेंस्ट। नेक्स्ट स्लाइड्स पे जी। अब ये हमने अब इसमें जो है हमारा एस वी एम मॉडल, हम जब इसको अप्लाई करते हैं, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे भी दो टेबल्स हैं, एक उर्दू डाटा सेट पे और एक है इंग्लिश डाटा सेट पे। ऑथर, अब इसमें हमने हर ऑथर्स के अगेंस्ट जो लेक्सिकन वैल्यू थी जो हमारे पास आई थी, उस पर हमने एस वी एम मॉडल्स को एन डायमेंशन अप्लाई की। लाइक ऑथर यू वन में हमारे पास लेक्सिकन वैल्यू 211 थी, तो हमने उसको वैसे रैंडमली ही उसकी एन डायमेंशन असाइन की, लाइक एन इज इक्वल टू 6, हमने 6 अलॉट कर दिए। तो उसके बाद जो एक्यूरेसी रेट आया वो हमारे पास 83.23। इसी तरह हमने रैंडमली हर ऑथर के अगेंस्ट, जिस तरह ऑथर यू टू में हमने एन की वैल्यू 16 रखी, 3 की डायमेंशन के 28 और ऑथर यू फोर की जो डायमेंशन थी वह हमने एन इज इक्वल टू 14 रखी। तो सो ऑन, इसी तरह हमने इंग्लिश ऑथर्स में भी। अब हमने इसका जब एस वी एम मॉडल अप्लाई करने के बाद जब एक्यूरेसी निकाली, तो हमारे पास इंग्लिश ऑथर्स की एक्यूरेसी बेस्ट आई। लाइक इसमें हम इसमें देख सकते हैं ऑथर ई थ्री की जो एक्यूरेसी आई है वो 98.20% आई है हमारे पास इंग्लिश ऑथर की। और उर्दू ऑथर्स की हमारे पास जो बेस्ट एक्यूरेसी आई है वो ऑथर यू फोर की 86.25, मतलब 86%। इसमें इसका ये था कि उर्दू में उनको जब हम एल्गोरिथम में साइन करते हैं, तो उसमें उन्होंने इंग्लिश के वर्ड्स को जो टोकनाइज हुए थे इजीली कैप्चर कर लिए। मींस कहने का मतलब कि जो एस वी एम मॉडल है वो इंग्लिश के वर्ड्स पे बहुत एक्यूरेटली असाइन हुआ, उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी आई है एज कम्पेयर टू उर्दू ऑथर्स। तो इसके इससे हम जो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो ये हैं कि इंग्लिश के जो वर्ड्स की जो एक्यूरेसी आई है वो 98% है, और उर्दू के जो ऑथर्स की एक्यूरेसी आई है वो 86.25% आई है। नेक्स्ट स्लाइड। और इसमें और एक्यूरेसी निकालने के बाद हमने उसके आप प्रिसीजन रिकॉल F1 मेजर्स भी निकाले। एक्यूरेसी तो मैं जिस हम निकालते हैं, जिस तरह के हमारे पास नंबर ऑफ क्लासिफाइड जो लेक्सिकॉन्स आते हैं, उसके बाद हम उसको डिवाइड करते हैं टोटल वर्ड्स, और प्रिसीजन जो है वो हम वो भी हम उसमें जो जब साइन करते हैं ट्रेनिंग डाटा और टेस्टेड डाटा के थ्रू, हम उसका प्रिसीजन में डालते हैं। लाइक जब हम इसको प्रोग्रामिंग लिए अलॉट कर रहे हैं, तो हम जब प्रिसीजन कॉल करते हैं, तो उसके साथ हम एज अ पैरामीटर उसमें हम टेस्टेड डाटा और एक्चुअल डाटा हम उसको साइन करते हैं, तो तब हमारे पास ये प्रिसीजन रिकॉल और F1 मेजर्स की वैल्यूज आती हैं। अब इसी तरह हमारे पास हमारे जो इंग्लिश ऑथर्स और उर्दू ऑथर्स की भी हमने ये निकाली प्रिसीजन रिकॉल F1 मेजर्स, जिस तरह के हमारे पास ऑथर U1 की हमने इसमें पॉइंट्स में लिखा। अगर मैं इसको एक्यूरेट कहूँ, ऑथर U1 जो उर्दू का जो ऑथर था उसकी जो हमारी आई है प्रिसीजन वो 0.87, मतलब 87% आई है। इसको अगर हम इसको राउंड अबाउट करें तो 87% आती है, और ऑथर U2 की 81% एंड सो ऑन इसी तरह। तो हमने इसके नीचे एवरेज भी टोटल कैलकुलेट किए हैं, जिस तरह हमारे पास उर्दू ऑथर टोटल जो एवरेज प्रिसीजन आई थी वो 86%, रिकॉल की वैल्यू 89% और F1 मेजर 88%। और इसी तरह इंग्लिश के भी हमने टोटल एवरेज कैलकुलेट की, तो 91% प्रिसीजन आई है, 95% रिकॉल आई है और 93% F1 मेजर आई है। जो हम और F1 मेजर्स हम निकालते हैं प्रिसीजन रिकॉल को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ये हमारा F1 मेजर्स का फार्मूला होता है।
अब रिजल्ट्स आने के बाद हम इसका देखते हैं कि जो हमारे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसको हमने हम उसको ओवरकम मतलब सॉल्व कर पाए हैं कि नहीं, जैसा कि हमारी एक्यूरेसी आई है कि उर्दू ऑथर्स के लिए 86% आई है और इंग्लिश ऑथर्स के लिए 93% आई है। तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो हमारी ऑथरशिप एट्रीब्यूशन टेक्निक है इसके थ्रू हम ऑथर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है इस टेक्निक को यूज़ करते हुए अनोनिमस ऑथर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि वो क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए उसको बेहतर। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी हम कर सकते हैं, जैसा हमने बताया कि हमने अनोनिमसली डाटा सेट्स लिए थे, जैसा कि हमने इसमें लिखा 180 ट्वीट्स पर ऑथर्स थी हमारे पास, टोटल हमारे पास 720 ट्वीट्स थी। तो अगर हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, अगर हम डाटा सेट्स की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास एक्यूरेसी भी इंक्रीज ऑब्वियसली हो जाएगी। तो ये हमारा है कि हमने जो हमारी प्रॉब्लम्स थी हमने इसको सॉल्व की। तो ये इसमें हमने लिखा कि जी हमने 86% जो एक्यूरेसी उर्दू पे गेट की और 93% एक्यूरेसी फॉर इंग्लिश डाटा सेट्स के लिए हमने एक्यूरेट की। और अगर हम डाटा सेट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे तो हम अपने जो एक्यूरेसी भी इंक्रीज कर पाएंगे, और हम इसमें डिफरेंट एल्गोरिदम भी अलॉट कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम डाटा सेट्स क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो हम इसके डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स भी इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं जो हमारी एक्यूरेसी को इंप्रूव करेंगे। डिफरेंट एल्गोरिदम्स हम डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स के, जैसा कि लिटरेचर रिव्यू में हमने एक पॉइंट हाईलाइट किया था कि जितने भी टेक्निक्स थी उनमें जो न्यूरल नेटवर्क्स की जो टेक्निक थी उससे 60 to 80% तक हम ऑथर्स को आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो ये हम फ्यूचर वर्क में लिख सकते हैं कि हम मशीन लर्निंग और सुपर